Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 6 square and square roots. So moving further in this chapter, we are going to talk about how do we find out square root of decimals. तो मैंने previous session में end करते हुए बताया था decimals का. Decimals का ज्यादा कोई difference नहीं है, लेकिन pairing में जो हम starting में pairing करते हैं वो हमें थोड़ा सा ध्यान से करना होता है. So how do we do the pairing? इसको अभी हम सीखते हैं. Now if the number is, you have to find out square root of 17.64. So decimals में what do we do? 17.64. So decimal का यह होता है कि before the decimal जो digits हैं, उनकी pairing we do from right. लेकिन decimal के बाद की we do from left to right. यहाँ पे right to left, यहाँ पे left to right. Means यहाँ पे इस type से होती है. यहाँ पे इस टाइप से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो क्या है, हमारे पास दोनों तरफ डबल नंबर्स हैं, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. सो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने पेयरिंग कर ली है. सो अब आप जानते हैं कैसे करते हैं. एक बार फिर से, कौन सा नंबर से करेंगे अब हम? फोर से, है ना. फोर फोर जा 16 होता है, फाइव फाइव जा 25, एंड फोर मैंने यहाँ पर लिखा, इनको माइनस करा, 164 हो गया. क्योंकि अब आई हैव टेकन 64 आफ्टर डेसिमल, तो आई विल पुट अ डेसिमल हियर और इन दोनों को ऐड करा, इट बिकम्स 8. 4 प्लस 4 8. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. तो हमें कहां वंस में 4 मिलता है? व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ 2. सो लेट अस चेक विथ 2. तो 2 2 इज अ 4, 2 8 इज अ 16. ठीक है, आ गया ना. सो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या है? 4.2. दिस मींस व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 4.2 विथ 4.2, वी आर गोइंग टू गेट द नंबर 17.64. सो ये तो आपको मालूम है, डेसिमल के बाद हम उसको ब्रेक करके बोलते हैं, हम 64 नहीं बोलते हैं. डेट इज अ रॉन्ग मेथड. डेसिमल के बाद वी शुड ब्रेक इट डाउन, 17.64. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप देखें, ये हमारे दोनों तरफ क्या है? ऑड नंबर्स हैं. तो हाउ डू वी डू इट? 176.341. सो इधर कैसे कर रहे हैं पेयर? दिस यहां पे इस साइड में, तो यहां हुआ, और यहां पे फिर हम एक जीरो एज्यूम कर लेते हैं. सो दिस इज द थिंग. तो सबसे पहले हमने 111 करा, तो ये तो जीरो हुआ, 76 उतारा, और 1 + 1 बिकम्स 2. नाउ टेल मी विच बाय विच नंबर शुड आई डू? सो अब हमें इसमें देखें, नाउ वी हैव टू कीप फोकस, कि जरूरी नहीं अब हमें 6 मिलेगा, क्योंकि हमें 6 कब मिलता है? 4 4s एंड 6 6s. तो 4 से ही अगर हम करके देख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9. तो 6 से तो हमें करने का है ही नहीं. दिस इज मच ग्रेटर देन 76. तो वी विल गो विद द शॉर्टर नंबर, लेस नंबर, मींस 23 से कर, मी 3 से करते हैं. तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. क्योंकि अभी हमारे पास और नंबर हैं, तो आई विल डू विद 3 3. तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. यहाँ पे 3 लिखा, ये बन गया 26, और ये हमने माइनस करा तो 7, है ना. नाउ अब जब ये पेयर है, तो आई विल कॉपी बोथ दीज नंबर्स, 34. बिकॉज आई हैव टेकन 34, आई विल पुट अ डेसिमल ओवर हियर, एंड अगेन आई विल चेक फॉर कि अब किस नंबर से शुड आई ट्राई. सो 2 है, तो अभी हम खुद जरा सा गैस करेंगे. एक तो अभी हमें, क्योंकि फर्दर देयर आर नंबर्स, तो जरूरी नहीं है हमें 4, हमें स्क्वायर का 4 में ध्यान देना हो. हम फिर ये वाला भी देखते हैं कि 3 से करेंगे तभी हम कुछ हो पाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6, 4 2 जा तो 8 हो जाएगा. सो 263 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 7 89. दिस इज greater. This means it will go by 2.
तो 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 2s are 4 एंड 5. और डोंट फॉरगेट टू राइट 2 हियर. ये 0 1 210 और ये आ गया 4 6 2. नाउ आई विल टेक, अभी मैं 1 ही उतार के देखती हूं, लेकिन हमारा ये जो है नाउ विच नंबर. सो इसमें अब हम इसको फर्दर ऐसे ही चेक करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि ये जो है, क्योंकि ये हमारा जा रहा है 2660, ये जा रहा है 264, बट व्हेन आई विल राइट 1 more digit हियर दिस विल बिकम 2000 का डिजिट. तो ये अब हमें चेक करना होगा कि ये किस नंबर से जाएगा एंड देन बाय दैट वी आर गोइंग टू डू द फर्दर कैलकुलेशन. तो डेसिमल में क्या होता है, वी टेक ओनली 2 प्लेसेस, है या नहीं है, क्योंकि डेसिमल में कभी कभी वी कैन गेट रिमाइंडर एस ए 0, बट सम डेसिमल वैल्यूज क्या होता है, दे गो टू एनी लिमिट, देयर इज नो लिमिट. तो इस वे में वी कैन सॉल्व इट. और कभी भी अगर आपको लगता है, प्लीज डू योर चेकिंग कि आपने सारा ठीक से करा है, कहीं आपने मिस्टेक नहीं करी है. ये भी एक हमें, जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, देयर इज अ नीड टू चेक फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो नेक्स्ट, नाउ दिस इज फॉर यू टू एक्सप्लोर व्हाट बाय व्हाट नंबर यू आर गोइंग टू डू इट सो दैट यू कैन डू द फर्दर डिविजन. सो इतना तक मैंने आपके लिए करके दिखा दिया. नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 meter square. फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट एरिया. अब ये क्या है, सो इसमें थोड़ा आप ये ध्यान दीजिए, जो हमारे स्क्वायर रूट ये सब होते हैं, ये किस में यूज होते हैं, जब हम पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल, इन सब की कैलकुलेशन करते होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की. सो इसमें क्या है, आपको पूरा इन्होंने एरिया दे दिया है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर साइड इनटू साइड. ठीक है, मींस दिस साइड इनटू दिस साइड. नाउ द प्रॉब्लम इज यू नो द एरिया दैट इज 2304. यू हैव टू फाइंड आउट द साइड. तो फॉर्मूला में तो हमने ये पुट कर दिया ना. नाउ टू रिमूव दिस थिंग क्या करेंगे हम, अंडर रूट 2304 लिखकर साइड पता करेंगे. ठीक है, सो 2304 का दिस मीन्स हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. तो डिविजन मेथड हमारे लिए अब इजी हो गया. तो 4 4s are 16, 5 5s are 25, दिस मीन्स हम फोर्स पर जाएंगे. तो 4 4s are 16, 704, और यहां पे ये हमारा, इसको ऐड करा, दिस बिकम्स 8. सो अब बताएं कौन सा नंबर हम करेंगे जिससे हमें एक्चुअल ये मिल जाए. सो 2 2s are 4 पे हमें मिलता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 4 4s are 16, 8 8s are 64 भी होता है. तो 8 8s are, अगर हम देखें तो 8 8 8 8s are 64 and 70, है ना. सिक्सटी फोर में अगर हम 6 ऐड करेंगे 70 आएगा. तो दिस मीन्स इसका जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या है, 48. तो साइड का जो मेजरमेंट है, तो इफ वी वॉन्ट टू टेल द मेजरमेंट ऑफ द साइड, फाइंड द साइड, तो साइड इज 48 meter. ठीक है, तो साइड का आपका क्या आया, साइड इक्वल टू 48 meter. Moving to the next question. अब there are 2401 students in a school. PT teacher wants them to stand in rows and columns such that the number of rows is equal to the number of columns. तो देखें, इस वे में we have done previously also. एक सम हमने यही करा था, plants का करा था या नहीं था.
लेकिन वो हमने क्या करा था, फ्रैक्शन मेथड से. नाउ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द डिविजन मेथड. तो ये आ गया, पेयर बनाया. नाउ बाय विच नंबर डू यू थिंक, देखते हैं समझ में आ रहा है, 5 5 25 वो है तो ये 4 से जाएगा, तो 4 4 16, 801 और दिस बिकम्स 8. नाउ बाय विच नंबर सोचिए, हम 1, 1 तो हमें कहां से मिलता है, 1 1 1 मिलता है 9 से, तो 9 9 81 कैरी 8, 9 8 72, 72 और 8 80, दिस मीन्स ये आया 9. फर्दर तो हमें मालूम हो गया है, तो कितने हमें फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो ये आ गए क्या है कि रोज एंड कॉलम्स विल बी 49. दिस इज द आंसर. क्लियर हुआ? सो सी, अगर यही अभी हमें फ्रैक्शन में करना होता कितना टाइम लगता है. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि डिवीजन मेथड जो है दे सेव अवर टाइम एंड क्विकली वी कैन फाइंड आउट द आंसर जो हमें कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द थिंग कि डिवीजन का अब हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है एंड आई एम वेरी श्योर नाउ यू कैन डू इट ऑन योर ओन. कर सकते हैं ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना. बस हाँ, थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कौन से नंबर का हम मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर का स्क्वायर वी हैव टू पुट इट डाउन. तो उसके लिए अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप फर्स्ट सेशन का भूल गए, हमने क्या सीखा था कि वंस प्लेस कौन कौन से नंबर से हम निकाल सकते हैं. तो उसमें हमने देखा था 9 है तो या तो 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे या 7 7 को. तो दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर डूइंग the square root with the division method. So pay attention on these skills and then easily you can do the answers. So what did we learn today? Today we learned how to do some sums and how to calculate the square root by the division method. उसमें हमने decimal भी कर लिए, simple भी कर लिया, questions पढ़ के भी कैसे square root find out करते हैं वो सब सीख लिया है. In the next session, we are going to do some more part, remaining part of the chapter, और वो करके हम ये chapter में पूरे perfect हो जाएंगे. I am very confident in that. So, going to meet you in the next session. Bye.